कि पेट्रोल की गलों ने समझ लिया पेट्रोल बोले ये कि बताओ किसने इसको मारा है। बिहार के भागलपुर में पुलिस का खौफनाक चेहरा सामने आया है। यहाँ गौरडीह पुलिस ने मजदूरी करने वाले 7 लोगों को पहले उनके घरों से उठाया और फिर थाने ले जाकर उनकी जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, पुलिस ने हिरासत में लिए मजदूरों के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया। पुलिस ने पहले मजदूरों को बुरी तरह पीटा और फिर उनके मलद्वार में पेट्रोल डाल दिया और फिर से उनकी बेल्ट से पिटाई की। जानकारी के मुताबिक ये मामला गौरडीह थाना क्षेत्र के पहाड़िया स्थान का है, जहां एक 49 वर्षीय सुमेश मंडल की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पुलिस ने 7 मजदूरों को हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ करने के लिए थाने ले गई। मायागंज में इलाज कराने आए घायल धनेश्वर दास ने बताया कि पुलिस पूछताछ के लिए थाना लेकर गई थी। उठा के नहीं चलो अगले माँ के लिए की गलती कर रखे बाबू बोलते चलो तुमको पूछ जाँच करें कि ठीक है वहाँ के लिए बाबू पूछ जाँच करी कि ना एक थोड़ा रूमो में बंद कर लेते बाबू बंद करी पिछला हाथ बोन्ही का पैरों में बोन्ही चढ़ी बाबू अन्हा मुन्हा 247 बेसी मरते बाबू हालत खराब कितना मरल बाबू और क्या कहते हाँ बाबू नंगा करी बाबू पेट्रोल गाड़ी छुटल बाबू पेट्रोल में जल्दी नाम बता के लिए केकरो नाम बते बाबू तो सुमेश मंडल का मर्डर हुआ रे इसलिए बाबू हमारा को ताल्लुक नहीं बाबू नहीं को मतलब हमें गरीब आदमी 500 बाल बच्चा जी बाबू कमाल जा कमा के अभी तो अपना घर से नाता बाबू हमारा घर से कोई नाता नहीं बाबू। और वहां पर जबरदस्ती अपराधियों के नाम को कबूल करवाने की कोशिश कर रही थी और उन्हें बुरी तरह पीटने लगी। पीड़ितों ने बताया कि 24 घंटे तक पुलिस ने उन्हें थाने में रखा और सभी के दोनों हाथों को बांधकर 1 घंटे तक लाठी डंडा और बेल्ट से पिटाई की। इतना ही नहीं, पुलिस का पिटाई से मन नहीं भरा तो उन्होंने मलद्वार में पेट्रोल डाल दिया। शख्स ने बताया कि पिटाई में शामिल पुलिस करंट के तार को भी सटाने के लगातार धमकी दे रहे थे और बार बार कह रहे थे कि अपराधी कौन है नाम बताओ, जबकि हम नहीं जानते कि हत्या किसने की। उन्होंने कहा कि साहब पुलिस ने बहुत पीटा है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हरिजन जाति से आते हैं, इसलिए हम लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर हमारे साथ मारपीट की। घायलों में कन्हैया दास, फुलेश्वर दास, अमीकर दास, संजीव दास, संतोष दास और धनेश्वर दास शामिल हैं। इन घायलों में किसी के तलवे पर जख्म है तो किसी के पैर पर, किसी के शरीर के कई हिस्सों में मारपीट के जख्म है। सिटी SP राज ने बताया कि संबंधित SDPO को निर्देशित किया गया है कि मामले की जांच की जा रही है, साक्ष्य एकत्रित कर सामने रखे जाएंगे और इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।